मैंने साफ सा बता रखा है यहाँ पर कि अगर आप जूम करके देखोगे थोड़ा सा से कि फोर्टी टू टू से लेकर फोर्टी टू फोर हंड्रेड के आसपास जो मार्केट का एरिया है ना वो सेलिंग एरिया है रेड एरो डाउन का एरो है उसी पर हमने ट्रेड किया और मार्केट गिरा कहां से मार्केट ऐसे हो तो मार्केट वहीं के आसपास से उसी लेवल से कहीं ना कहीं गिरा हुआ है अभी भी, वो लेवल एज इट इज बना हुआ मार्केर है मार्केट ओपन पहले। पहले, होने के बाद अपसाइड जाता है तो मैं ही सेल करूंगा ठीक है साफ साइ तेरे मिनट मार्केट होने से पहले उसके बाद क्या हुआ उसके बाद मैंने सी को सेल कर दिया और प्रॉफिट बुक किया अब देखो तो मार्केट देख सकते हो मार्केट तो ओपन हो चुका है ठीक है बैंक निफ्टी हमारे सेलिंग लेवल से कहीं ना कहीं मार्केट गिरा हुआ अगर मार्केट अफसर का मूवेंट देता है ना जिन मैं कहीं ना कहीं कॉल सेल करने का न, सो सकता हूँ आज के रेट पर और निफ्टी भी देख सकते हो कि हमारे सेलिंग एरिया के आसपास से कहीं ना कहीं मेरा कॉल सेल करने का भी हुए थोड़ी देर में मैं पूछने लेकर इन्फॉर्म करूँगा आपको क्योंकि देखो आज एक्सपायरी तो आज एक्सपायरी के हिसाब से हम काफ़ी सेफ प्ले करना भी पसंद करेंगे अगर यही बैंक थोड़ा सा अफसर का दे देना उसके बाद मुझे कॉल सेल करने में एक अलग मजा आएगा क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए आपको टॉप पर सेल करना पड़ेगा ठीक है इन केस देखो अब मैं आज के अंदर बना स्टार्ट कर दिया अगर मार्केट आपसे मोहन देता है ऊपर क्या जाता है फिर मुझे कोई कॉल सेल करने का मौका मिलेगा मैं पक्का कॉल सेल करूँगा कुछ सोचूंगा नहीं ठीक है तभी तो वेट करते हैं थोड़ी सी आवाज़ मेरी ख़राब आ रही होगी तो इग्नोर कर देना यार ठीक है कोल्ड ओल्ड का मौसम चल रहा है तो एलियन टाइप की आवाज़ आ रही है बट सुन लेना ठीक है जी देखो बोला ऊपर आने लगा ऊपर आने तो ऊपर आने का ही वो तो वेट करना है मैंने टेलीग्राम में क्या बोला है अगर मार्केट ओपन होने के बाद अपसाइड का मूवमेंट देता है तो मैं कॉल सेल करूँगा ये देखो ये लेवल्स मैंने ऑलरेडी बना रखा है और यही सेम लेवल्स मैंने प्रीमियम चैनल में भी दे रखा है तो इसी लेवल पर मैं खुद भी ट्रेड करूँगा यार मैं किसी दूसरे को दूंगा इससे बढ़िया कि मैं खुद ट्रेड करूँगा अगर ये लेवल सही है तो मैं इस पर खुद ट्रेड करूँगा ठीक है मैं वो हलवाई हूँ जो अपनी मिठाई खुद खाता हूँ ऐसा नहीं है कि आपको बता दूँ और खुद ना करूँ जब मार्केट यहाँ से गिरेगा याद डाउन का मूवमेंट दे सकता है तो मैं उसका फायदा खुद नहीं उठाऊंगा ठीक है तो इसका फ़ायदा खुद उठाऊंगा मैं थोड़ी सा वेट करते हैं फिर देखते हैं तो आप देख सकते हो देखो आज है एक्सपायरी डेट ठीक है एक्सपायरी डेट पर मैंने ट्रेड लिया हुआ है कॉल को सेल करके रखा हुआ है ठीक है बट मार्केट थोड़ा सा जो वॉलोटाइल मूवमेंट दे सकता है तो फाइन देख सकते तो समथिंग पैंतीस छत्तीस सैंतीस चालीस जगह प्रॉफिट चल रहा है तो अभी और बैंक निफ्टी की अगर बात करोगे तो बैंक निफ्टी भी देख सकते हो तो गिरता हुआ जा रहा है ठीक है तो नीचे की तरफ अगर बात करोगे आप तो नीचे की तरफ कहीं ना कहीं मार्केट में मेरे को आज इधर के आसपास भी मार्केट आ सकता है जो है इकतालीस हज़ार नौ सौ देखो ये जो मार्केट चल रहा है फोर्टी टू थाउजेंड के आसपास चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट इधर के आसपास ले सकता है तो मैं अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए भी रेडी हूँ ठीक है जैसे मुझे प्रॉफिट बुकिंग करने का को कोई मौका मिलेगा ना तो मैं प्रॉफिट को भी बुक कर सकता हूँ तो फिर जैसे तो पच्चीस तीस छब्बीस यही चल रहा है प्रॉफिट तो थोड़ा सा वेट करते हूँ देखते हैं क्या होता है अभी देख सो अभी तो हमने एक और ऑर्डर ले रखा है बैलस तीन सौ बैलेस चार सौ का इसके पहले भी मैंने एक ऑर्डर ले रखा था जैसे तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर कि मेरे को जो ऑर्डर में हुआ था ना उसमें मेरे को नुकसान हो रखा है पाँच सात छः हज़ार रुपये का जैसे आप देख सकते हो वो कौन सा ऑर्डर है वो ये ऑर्डर देख सकते हो एक कॉल सेल था ना अट्ठाईस सौ का इसमें और एक इसमें ठीक है तो इसके बाद मैंने फिर से कॉल से की कितनी पोजीशन ली हुई है और अभी मेरे को लॉस चल रहा है बीस पच्चीस हज़ार रुपये का तो टोटल मेरे को लॉस जो चल रहा है वो चल रहा है लगभग देख सकते हो इतना का ठीक लग है लगभग तीन तक का मेरे को लॉस चल रहा है बट कोई उसी बात नहीं है देखो हमने कहीं ना कहीं टॉप पर सेल करके रखा हुआ है और एक्सपायरी डे है इसके लिए मैंने थोड़ा सा सेफ़ प्ले किया हुआ है सेफ़ प्ले किया हुआ है इसलिए मैंने ए टी का सेल किया हुआ है मैं इन दिन मुझे आज नहीं बेचा हूँ इसी का मुझे ध्यान रखना है काफ़ी ज़्यादा तो अभी हम वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है तो फाइनली देख सकते तो मुझे बारह तेरह हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पर ठीक है जी हम अभी वेट करते हैं क्योंकि रीज़न क्या है ना कि देखो हमने टॉप पर कहने के कहीं कॉल्स को सेल करके रखा हुआ है अगर बैंक ऑफ टीची गिरता है ना तो हम आज हम देखो एक्सपायरी डेट दे था इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा सेफ प्ले किया हुआ है और ओ और ए का सेल किया हुआ है ठीक है तो ज़्यादा मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लिया हूँ तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो ईजिली अगर लेवल्स की बात करोगे ना तो ये इधर के आसपास का लेवल्स है मार्केट इधर के आसपास तो बहुत ही आराम से आ सकता है ठीक है तो हम वेट करते हैं इधर के आसपास आने का उसके बाद देखते हैं क्या कि अगर इधर के पास आएगा तो मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट आज के दिन पर हो सकता है जो वाली मार्केट गिरना स्टार्ट कर दिया है ठीक है सेकंड टाइम में और जो मेरा प्रॉफिट चला हुआ छब्बीस सत्या का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पर फोर्टी तो टू थे राउंड फिगर नंबर है और हमने कॉल को सिल करके रखा हुआ जिससे पैंतीस हाई का प्रॉफिट चल रहा है एक किधा हमने फोर्टी टू थ्री हंड्रेड फोर्टी टू फोर हंड्रेड का कॉल बेचा है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब देखो ये बार आज मैंने देखो बहुत ही सेफ लेके हुआ है क्योंकि देखो एक्सपायर डे दे है तो थोड़ा सेफ रहना भी अच्छा है ये देखो फोर्टी टू थ्री हंड्रेड फोर्टी टू थ्री हंड के नीचे कहीं भी मार्केट एक्सपायर होता इस रेड लाइन के नीचे तो मुझे मैक्स प्रॉफिट होगी जितना मैंने प्रीमियम सेल कर रखा कर, लगभग एक लाख बीस पच्चीस हजार के आसपास का वो सब मुझे को पूरा का पूरा मैक्स प्रॉफिट मिलेगा ठीक है जैसे तो आप साठ बासठ पैंसठ प्रॉफिट चल रहा है ठीक है और जो बैंक निफ्टी है वो कहीं ना कहीं फोर्टी टू एट्टी नाइनटी के आसपास चल रहा है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी फोर्टी टू थाउजेंड पर आ सकता है क्योंकि देखो फोटी टू थाउजेंड ऑलरेडी एक नंबर है तो जब मार्केट ऊपर से कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आएगा ना देन ये कहीं ना कहीं आज के दिन पर सपोर्ट की तरफ भी मार्केट में काम कर सकता है और मुझे ऑलरेडी प्रॉफिट हो रखा है और सारी तरह देखो आज एक्सपायरी डे है तो प्रॉफिट होने का मैक्सिमम चांस है तो अभी हम वेट करते हैं ताकि मेरा प्रॉफिट जो है थोड़ा सा और बड़ा हो जाए मार्केट ने देखिए आप मार्केट ने दे दिया है फोर्टी टू सेवन का लेवल भी दे रखा है मेरा प्रॉफिट चल रहा है अस्सी क्या का प्रॉफिट चल रहा है देखो अब हम रीज़न क्या है ना कि हमने ओ टी एम ए टी एम का सर करके रखा हुआ है तो मुझे डर नहीं है मार्केट यहाँ से तीन सौ पॉइंट ऊपर भी कर एक्सपायर होता है ना तो अपने को कोई भी डर नहीं है क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा सेफ प्ले किया हुआ सेफ प्ले किया होता भी तो मेरे ए और ओटीएम का बेचा नहीं तो मैं इन द मनी बेचकर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करने के लालच में रहता ठीक है इसलिए मैं देखो पहले सेफ्टी का भी ध्यान रखना जरूरी होता है उसके बाद अगर मार्केट की बात करोगे तो मार्केट आदो देखो नीचे की तरफ़ का मूवमेंट दे सकता है जो ये वाला लेवल होगा मेरे लिए कहीं ना कहीं ठीक है जो फोर्टी वन एट हंड्रेड का भी होगा अपने को देखो आज एक्सपायरी तो उससे मतलब नहीं है हमने टोटली कॉल को सेल करके रखा हुआ है तो बस यही मांग के चलना है कि मार्केट यहीं पर कॉन्सोलीडेट करे या फिर यहीं पर टाइम पास करे यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा तो हमारे फेवर में ही है मार्केट ठीक है तो भी देख सकते हो तो नब्बे बानबे यही प्रॉफिट चल रहा है देखो हमने प्रॉफिट का ना सत्तर अस्सी परसेंट मैक्स प्रॉफिट का ले चुका है फोर्टी टू सेवन का मार्केट चल रहा है देख सकते हो फोर्टी टू सेवन का लेवल मार्केट चल रहा है अब अगर मार्केट यहीं पर कॉन्सोलीटेड साइडवेज यहीं से मार्केट रुक जाता है दिन मुझे आज के ही दिन पर ना मेरा आज लगभग मैक्स प्रॉफिट जो है लगभग एक लाख चालीस एक लाख पचास हज़ार रुपये के आसपास का होगा मैक्स प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ तो जीरो होने तक का तो हम वेट करते नहीं लेकिन हाँ अभी भी कुछ है मुझे तीस हज़ार चालीस जगह समथिंग और प्रॉफिट मेरे को हो सकता है आज की डेट पर उसी को लेने के लिए हम वेट कर रहे हैं शायद मार्केट अगर यहां पर कौन करे नीचे जाए तो बढ़िया है ना जाए तो भी बढ़िया है बस ऊपर नहीं जाना चाहिए ऊपर नहीं, जाए। नहीं जाएगा आज एक देखो एक्सपायरी है और हमने बहुत ज़्यादा सेफ प्ले किया हुआ है तो सेफ प्ले किया हुआ है तो भाई साहब बस वेट करना बनता है वर्ड डिसाइकल में काम हो जाएगा तो फाइनली एक लाख बीस इक्कीस जगह प्रॉफिट मेरे को चल रहा है ठीक है और बैंक देखो देख सकते हो अब यहाँ से ना अप साइड का मोमांड दे रहा है और हालांकि ये पर थोड़ा बहुत साइड चार रुपये मोमाउ दे रहा है ठीक है तो अब देखो मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि मेरा मैक्स प्रॉफिट का ऑलरेडी मार्केट मेरा प्रॉफिट दे चुका है मेरा मैक्स प्रॉफिट लगभग एक लाख चालीस हज़ार के समथिंग का है एक लाख बजे मुझे हो रहा है तो बीस हज़ार ये कम मुझे मिलेगा जब मार्केट में साढ़े तीन भेंगे तो उतना ज़्यादा वेट मैं करूँगा नहीं रिस्क हो जाएगा चलते हैं फिर उसको स्क्वायर ऑफ़ कर लेते हैं भटाक से तो फाइनली आज हमने एक लाख बीजे का प्रॉफिट बुक किया हुआ जैसे देख सकते हो जो मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया था बयालीस हज़ार सौ एंड बयालीस हज़ार दो सौ का कॉल तीस तीस लॉट में उससे मेरे को नुकसान हो गया था लगभग सात हज़ार रुपये के आसपास का फिर हमने दोबारा जो मौका मिला मुझे फिर मैंने बयालीस तीन का कॉल और बयालीस चार का कॉल सेल किया इससे मेरे को लगभग एक लाख तीस के आसपास का प्रॉफिट हुआ जिसमें टोटल मेरे को एक लाख बीस हजार का समथिंग में प्रॉफिट में हूँ बार मैं आप लोगों के साथ रिफर करके दिखा दूँ ताकि आपको ईजी रिहा सिंपली मैं रिफर करके दिखा दूँ तो वहाँ पे तो एक लाख बीस लाख का प्रॉफिट आज हम लोगों ने बुक किया हुआ है तो मैं आपको पूरा पूरा ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे तो देखिए तो सबसे पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चेक करा दूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ देख सकते हो कि हमने इधर बीच में दो दिन से ट्रेड नहीं करा कर था रीजन क्या था कि थोड़ी सी मेरी आ, मेरे आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी सर्दी वगैरह के मौसम में ठीक है और हल्का बुखार था तो मैंने साफ सबको बता दिया था नौ जनवरी को नौ जनवरी को मैंने प्रॉफिट किया था लगभग डेढ़ लाख के आसपास का वहाँ मैंने साफ से बता रखा था उसी दिन दस बज के साढ़े दस बजे रात में कि सम फीवर है दो दिनों के बाद मैं ट्रेड करूँगा तो नाइन जून को हमने डेढ़ लाख का प्रॉफिट किया था उसके बाद का आप देख सकते हो कि आज दो दिन बाद मतलब बारह तारीख ठीक है दस ग्यारह मैंने ट्रेड नहीं किया बारह तारीख को मैंने सबसे पहले मार्केट खुलने से पहले अगर मार्केट ओपन होने के बाद अपसाइड जाता है तो मैं सी से सेल करूँगा ठीक है साफ साफ निकल ते के तेरह मिनट मार्केट खुलने से पहले उसके बाद क्या हुआ उसके बाद मैंने सी से को सेल कर दिया और प्रॉफिट बुक किया अब देखो जो मैंने फर्स्ट सी सेल किया था ना फर्स्ट टाइम देख सकते हो कि मार्केट ओपन होने के बाद ओपन होने अगर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ओपन नंबर देख देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ उसके बाद मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया था तो मैंने इस मूवमेंट का फायदा उठाने के लिए कहीं ना कहीं कॉल को सेल किया हुआ था जिसमें मेरे को ऐसा नहीं है कि ट्रेड लेंगे मुझे नुकसान दिख रहा था इसमें भी मेरे को तीस से चालीस जगह प्रॉफिट दिख रहा था जो मैंने सबसे पहले कॉल सेल किया था फोर्टी टू वन हंड्रेड एंड फोटी टू टू हंड्रेड में उसमें मेरे को पहले तो तीस हजार जगह प्रॉफिट देखा फिर मार्केट में देख सकते हो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा साफ रिकवरी आई साफ रिकवरी आई ना तो मेरा जो प्रॉफिट था वो कहीं ना कहीं चला गया और मार्केट में देख सकते हो दो ही तीन घंटे बाद ग्रीन अपसाइड ग्रीन बनना लगा तो मेरा जो प्रॉफिट था वो तो गया ही साथ ही साथ मेरे को नुकसान होने लगा तो मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास कहने के एग्जिट करना चाहा क्योंकि एक मेरा सिस्टम है कि अगर एक मैं प्रॉफिट देख लेता हूँ तो फिर मैं नुकसान लेने का ट्राई नहीं करता हूँ मैं उससे छोटे छोटे लॉस पर या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास एग्जिट करने का ट्राई करता हूँ जैसे लेकिन मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास एग्जिट करने का ट्राई किया ना मार्केट के देख सकते हो मार्केट में ने cost -cost रुणार रुणार ने तो ने बैक टू बैक जल्दी जल्दी ग्रीन करने बना चालू हो गया उस पर मेरे को कहीं ना कहीं छः का नुकसान हो गया बट कोई बात नहीं हमने वेट किया फिर से दोबारा जब मेरा परफेक्ट सेटअप बना परफेक्ट टॉप बने के बाद हमने कहने की टॉप के आसपास कॉल को सेल किया और टॉप को सेल जैसे मैंने कॉल सेल किया उसके बाद बैंक निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और जिसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया नीचे के दाम ने बता रखा था कि फोर्टी टू थाउजेंड का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं सबके तरह मार्केट में काम कर सकता है मार्केट वहाँ पर आया फिर जब यहाँ से मार्केट कहने की अपसाइड का मूवमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया गैप ग्रीन करना स्टार्ट कर दिया देन हमने अपने पोस्टों को कहीं न कहीं के आसपास बुक कर लिया तो इसमें बुक कर लिया तो इसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ ठीक है एक लाख बजे का प्रॉफिट बुक कर पाया मैंने जो भी देखो ऑप्शन आज था एक्सपायरी डे ठीक है तो एक्सपायरी डे के दिन जो आप प्रीमियम सेल किए रहोगे ना वही आपका मैक्स प्रॉफिट होगा चाहे मार्केट कितने में क्यों ना गिर जाए तो जब मार्केट इधर के आसपास था ना तो उस समय मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था एक लाख बीस तीस हज़ार रुपये का मेरा जो मैक्स प्रॉफिट था आज का लगभग वो डेढ़ लाख के आसपास का था एक लाख चालीस हजार एक लाख पचास हजार के आसपास का था ठीक है क्योंकि जो हम प्रीमियम सेल करेंगे वही हमारा मैक्स प्रॉफिट होता है तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट को बुक इसलिए किया क्योंकि देखो मैं जीरो होने का वेट नहीं करता हूँ पंद्रह बीस हज़ार का जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा मेरे को बचा था उसको लेने के लिए मुझे तीन बजे तक का वेट करना पड़ रहा है क्योंकि तभी भी प्रीमियम जाकर जीरो होंगे ठीक है हो, तो मैं जीरो होने का वेट कभी नहीं करता हूँ ऑलरेडी मैं एक डिसेंट सा प्रॉफिट में था तो मैं दोबारा रिस्क लेना नहीं चाहता था मैंने इसलिए इधर के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया क्यों रीजन क्या था क्योंकि ये फोर्टी का लेवल भी है और ये जो नीचे का जो एरिया है ना वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बाइंग एरिया था इसके वजह से हमने कहीं कही नही अपनी पोजों को बुक किया क्योंकि धीरे तरफ से मार्केट में बाइंग हो सकती थी और ऑलरेडी मार्केट ने ऐसा किया भी अब आपको लग रहा होगा कि, कि मैं क्या बोल रहा हूँ बाइंग एरिया सेलिंग एरिया तो इसका सबूत मैं कैसे दूँ जी हाँ गाइस ये जो मैंने लेवल्स बता रखे हैं यहाँ से जो मार्केट गिरा ना, ना ये ऑलरेडी मैंने प्रीमियम ग्रुप में सेयर करके रखा हुआ है यहाँ से मार्केट डाउन का मूवमेंट दे सकता है उसी लेवल पर मैंने सेम रेट किया उन्हीं से भी बता रखा था कि मार्केट इस लेवल से कहने की अबसे का मूवमेंट दे सकते देख सकते हो अभी आपको यकीन कैसे होगा अभी मैं उसको यकीन दिलाने के लिए आपको टेलीग्राम में खोलता हूँ ठीक है ये हमारा प्रीमियम चैनल का लिंक है मार्केट खुलने से पहले गाइस जी हाँ मैं डेली मार्केट खुलने से पहले अपडेट देता हूं बारह जनवरी डेट टाइम समय देख लो ना उसके बारह मिनट अब यहां पर देखो मैंने साफ साफ बता रखा है यहां पर कि अगर आप जूम करके देखोगे थोड़ा सा से कि फोर्टी टू टू हंड्रेड लेकर फोर्टी टू फोर हंड्रेड के आसपास जो मार्केट का एरिया है ना वो सेलिंग एरिया है रेड है डाउन का रहो है उसी पर हमने ट्रेड किया और मार्केट गिरा कहाँ से मार्केट ऐसे तो कि मार्केट वहीं के आसपास से उसी लेवल से कहीं ना कहीं गिरा हुआ है अभी भी, भी वो लेवल एज इट इज बना हुआ है वैसा का वैसा ठीक है नीचे एकदम मैंने बता रखा था नीचे की मूवमेंट भी देखोगे नीचे के बता रखा था कि अगर मार्केट आता है फोर्टी वन एट हंड्रेड के नीचे आप दे सकते होट हंड्रेड के नीचे आपसे दे सकता है ये ग्रीन मैंने ऑलरेडी सर करके रखा हुआ समय देख ही लिया देखी लिए बारह मिनट और मार्केट मार्केट ने ने क्या किया भी एग्जैक्ट डिटो जैसे ही मार्केट फोर्टी वन एट हंड्रेड के नीचे आया मार्केट ने आपसे का मूवमेंट देना चालू कर दिया ऑल्सो अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी देख लो निफ्टी भी यहाँ पर देख लो मैंने साफ बता रखा था कि जैसे अगर मार्केट के लेवल को आता है ना तो वहां से डाउन की तरफ जाएगा लेकिन मार्केट ने किया पहले वो देखो वो सब काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखो वहाँ पर भी लेवल बना हुआ है लेकिन निफ्टी ने क्या किया निफ्टी ने हमारे सेलिंग लेवल पर नहीं आया सेलिंग लेवल से पहले ही गया वैसे कहने की गिरना शुरू कर दिया कोई बात नहीं बट फिर भी हमने एक लेवल दिया दे रखा था बाइंग के लिए बाइंग का भी लेवल दे सकते हो सत्रह हज़ार आठ सौ के आसपास का जो एरिया है वहाँ से मार्केट में फिर मूवमेंट आ सकता था एरो ग्रीन एरो का निशान ये बताता है कि मार्केट अब की तरफ जाएगा ठीक है और समय देख लो नौ से दस मिनट मार्केट खुलने से पहले और ये कोई स्टेटमेंट बदल नहीं सकता क्योंकि जब मैं मार्केट खुलने से पहले सब चीज़ दे रहा हूँ उसी लेवल पर मैं सेम ट्रेड कर रहा हूँ ऐसा कब पॉसिबल है गाइज ऐसा तभी तो पॉसिबल है जब आपके पास सही राइट नॉलेज हो यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही निफ़्टी सत्तर हज़ार आठ सौ केस पास एरिया में आया वैसे ही मार्केट में बाइंग होना स्टार्ट हो गया ठीक है इस सही में ऐसा नहीं कि बोले कल गाइज मैंने पहले भी मैंने कल भी जो लेवल दिया था ना उसी के अकॉर्डिंग देख सकते हो मार्केट में फोटी टू फोर हंड्रेड के आसपास से हमने बता रखा था कि सेलिंग होगी मार्केट में अगर देखोगे कल के रेट पे तो यहाँ पर देख सकते हो ये कौन सा लेवल है ये देखो कल के दिन के लिए मैं बता दे रहा हूँ फोर्टी टू फोर हंड्रेड के पास जैसे ही मार्केट गया कल का भी देख सकते हो ग्यारह जनवरी डेट देख सकते हो समय देख लो मैं बारह मिनट यहाँ पर मैंने पहले बता रखा था कि जो बैंक निफ्टी है वो फोर्टी टू थाउजेंड के नीचे फोर्टी वन सिक्स हंड्रेड तक यानी की बाइंग हो सकती है यहाँ पर मैंने ग्रीन एरो का समा बना रखा था और मार्केट देखो कि उसी लेवल से सेम उसी लेवल से यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट कल यहाँ पर भी कहीं ना कहीं यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पर देख सकते हो कि फोर्टी वन सेवन फिफ्टी के आसपास से कहने की मार्केट ने अपाइड का मूवमेंट दिया ठीक है ऑल्सो निफ्टी की भी मैं बात करूँ कल के डेट की तो निफ्टी में मैंने साफ सा बता रखा था देख सकते हो तो यहाँ पर कि सत्रह हजार आठ सौ के आसपास से कहने की मार्केट अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है और कल क्या हुआ ये देख सकते हो तो, कल निफ्टी का भी क्या है भाई साहब कल ग्यारह जनवरी देख सकते हो सत्रह हजार आठ सौ के आसपास मार्केट ने का मूवमेंट दिया इसके पीछे अगर कर बात करें हम दस जनवरी की तो दस जनवरी को तो भी देख सकते हो यहाँ पर साफ सामने बता रखा था कि अट्ठारह हज़ार सौ के आसपास से हम निफ्टी जो है गिर सकता है टाइम देख लेना टाइम डिले देख लेना तो मैंने मार्केट खुलने से पहले दे दिया है क्योंकि मार्केट खुलने से जो चीज़ मैं पहले दे दे रहा हूँ वो समय सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट खुलने के बाद तो आप कोई सभी चीज़ें पोस्ट कर सकते हो लेकिन मार्केट खुलने से पहले आपका इतना सटीक अंदाजा तभी हो सकता है जब आपके पास सही नॉलेज हो अब देखो आप दस तारीख को देख लो मार्केट अट्ठारह हज़ार सौ के आसपास से गया वहीं से मार्केट कहने ना कितना बढ़िया डाउन साउंड है दस जनवरी का आप देख सकते हो ऑल्सो अगर बैंक बैंगठी की बात करोगे तो बैगटी भी देख सकते हो बयालीस सात सौ पचास के आसपास से जो मार्केट ने गिरावट गिरावट दी है हमारे तो ये जो पूरा एरिया है बयालीस हज़ार छः सौ से लेकर के बयालीस हज़ार सात सौ पचास तक के आसपास का एरिया वहाँ से मार्केट गिर सकता है रेड एरो ठीक है टाइम देख लेना सब चैनल सब में देख लोगे आप टाइम तो सब में मार्केट खुलने से पहले दे रखा मैंने और तो यहाँ पर भी देखो क्या हुआ अब मैं दस जनवरी का अगर दिखाऊँ आपको तो यहाँ से भी मार्केट कहने की वहीं से बयालीस हज़ार सात सौ के आसपास से मार्केट ने कितना बड़ा मैंने का मूवमेंट दिया हुआ है वैसे तो लगभग काफ़ी हमेशा मेरे को मेरे डे मार्केट को जो मैं लेवल देता हूँ प्रीमियम ग्रुप में उस पर मैक्सिमम टाइम मार्केट रेट करता है भले ही मैंने दो दिन ट्रेड नहीं किया हुआ बट तो हमारे लेवल्स के हिसाब से मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया हुआ है तो जो लोग भी इस पर एंट्री लिए होंगे उनको काफ़ी अच्छा खास प्रॉफिट हुआ होगा और जिन जिन लोगों ने वेबिना करके रखा है यार उनको तो सब चीज़ें ये सब डीप में डिटेल में पता है उनको लेवल्स कैसे निकालना है कैसे कहाँ पर एंट्री करना है वो सब चीज़ें डी में डिटेल में जानते हैं तो अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अगर आप यही सब चीज़ें डीप में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप फ्री में भी इसे सीख सकते हैं बस आपको हमारे दिए हुए लिंक से डिमेट अकाउंट ओपन करना है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डिमेट अकाउंट ओपन करने का वहाँ से आपका डिमिट अकाउंट भी फ्री में ओपन होगा मेरा ऑप्शन से मास्टर प्रोग्राम लाइट कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला जाएगा सारी सारे वन मंथ का ब्रोकरेज अप टू वन थाउजेंड रुपीच आपके वो भी नहीं लगेंगे और चैनल पर कुछ प्ले भी है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं जैसे आपको ऑप्शन के बारे में जानकारी नहीं, तो नहीं है तो आप ऑप्शन से मिली कोर्स बात कर सकते हैं अगर आपको ऑप्शन हेजिंग सीखना है तो आप ऑप्शन हेजिंग प्लेलिस्ट को बात कर सकते हैं तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में